नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गर्दे जी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आपने टाटा और महिंद्रा की तो बहुत सारी पिकअप्स और ट्रक्स देखी होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अशोक लेलैंड के घर से आने वाली नई दोस्त एक्सेल, जो कि एक शानदार पिकअप है और अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। एक्सेल का ये एलएक्स मॉडल है, जिसमें आपको शानदार पावरफुल एसी और एक्सेल का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा लार्ज। इसमें आपको सब कुछ एक्स्ट्रा लार्ज देखने को मिलेगा, जिसमें ज्यादा पावर, ज्यादा माइलेज और ज्यादा लंबी लोड बॉडी, ज्यादा बड़ा लोडिंग एरिया, बढ़िया टायर साइज, सब कुछ इसमें आपको लार्ज देखने को मिलेगा। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें इसके नए फीचर्स, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो कम से कम कितना डाउन पेमेंट देना होगा, ईएमआई की पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले शुरुआत अगर हम इसके करें फ्रंट लुक की, तो इसमें कोई ज्यादा लंबा बोनेट वगैरह नहीं मिलता। हालांकि अगर हम बड़ा दोस्त की अगर हम बात करें, जैसे कि i4 i3 आते हैं, उससे थोड़ा इसमें जो है पिकअप की तरह इसको बनाने की कोशिश करी है, जिससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहता है। और आप देखेंगे तो इसमें बड़ी सी विंड स्क्रीन मिल जाती है, दो वाइपर ब्लेड और दो ही वाशर मिल जाते हैं, ताकि पानी से इसकी स्क्रीन को साफ कर सकें। यहाँ पे आपको जो है अशोक लेलैंड का बेस देखने को मिल जाता है और बढ़िया सा अशोक लेलैंड का लोगो यहाँ पे जो है ब्लैक डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है बड़े बड़े हेडलाइट देखने को मिल जाते हैं और ये जो टर्न इंडिकेटर वाला है जो DRL का शेप दिया गया है, हालांकि ये DRL नहीं है, और बढ़िया सी इसमें बड़ी सी हेडलाइट देखने को मिल जाती है। व्हाइट कलर की यहाँ पे रिफ्लेक्टर पट्टी मिल जाती है। इसमें आपको जो है व्हाइट कलर का ही यहाँ पे बम्पर मिल जाता है फाइबर में। यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है ब्लैक कलर की, जिससे रेडिएटर वगैरह को हवा आसानी से यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे लग जाएगी नंबर प्लेट। तो आगे का जो लुक है कुछ इस प्रकार का इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको जो है आगे और पीछे दोनों साइड में पैराबोलिक लीव स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे, डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर के साथ में। और इसके पत्ते की जो थिकनेस है वो काफी बढ़िया दी गई है, जिससे क्या कि इसमें आप कोई ज्यादा लोड करते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलते हैं, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। बढ़िया सा इसमें आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके कार्गो बॉडी, तो चलिए चलते हैं। अब ये गाड़ी है लोडिंग, यानी कि ज्यादातर इसको ट्रांसपोर्ट में ही काम में लेना है, सामान को इधर से उधर लेकर जाना है। तो बात करते हैं इसकी डाला बॉडी की। तो इसकी जो डाला बॉडी की लंबाई है वह है 8 फीट 7 इंच, जो कि काफी अच्छी लंबाई कह सकते हैं, और 5 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई दी गई है। हाइट है ना जो डाले की, ये हाइट दी गई है 1.4 इंच की, तो ये भी काफी बढ़िया दी गई है। और इसका जो है व्हील बेस की अगर हम बात करें अगले टायर से पिछले टायर की दूरी की, तो 2350 mm का इसमें व्हील बेस मिल जाता है। 2625 किलो का ग्रोस व्हीकल वेट है, यानी कि इसकी जो भार से जो वजन है 2625 किलो है, और 1400 किलो की इसमें पेलोड क्षमता है, यानी कि 14 क्विंटल तक का इसमें लोड आप आराम से कर सकते हैं, जो कि RTO पास है, और आप जो है अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसको आप कई एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है कुछ ज़्यादा लंबा बोनेट नहीं है, ये कुछ इस प्रकार का केबिन मिलेगा। बाकी जो है लोड बॉडी है, तो इसमें आप जो है गैस सिलेंडर, पानी के कैन, और इसको जो है परचून का सामान हो, या फिर कई एप्लीकेशन में इसको आप यूज कर सकते हैं। आजकल जो है इससे क्रेन वगैरह भी बना रहे हैं, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है। यहाँ पे इसका जो है एयर क्लीनर की पाइप दी गई है ऊंची, यहाँ पे इसकी बैटरी दी गई है, और पीछे भी आपको जो है पैराबोलिक लीव स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है। और यहाँ पे जो है इसकी लेफ्ट साइड में आपको जो है इसका डीजल टैंक मिल जाता है, जो कि 40 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है। और इसमें आपको यूरिया वाला यानी डेप वाला कोई नहीं दिया गया, हालांकि BS6 है, फिर भी डेप वाला सिस्टम इसमें हटा दिया गया है। LNT सिस्टम देखने को मिल जाता है। और टायर साइज की अगर हम बात करें, तो टायर साइज भी काफ़ी अच्छी साइज इसमें मिल जाती है, चौड़े टायर मिल जाते हैं, और इसमें 185R 14 इंच के टायर साइज मिलते हैं 8 ply रेटिंग के, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और इसमें आपको जो है 4 volt यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे इसका चेसिस फ्रेम देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है। यहाँ पे इसमें मिल जाता है छोटा वाला टर्न इंडिकेटर। यहाँ पे आपको दोस्त एलेक्स की बेजिंग देखने को मिल जाती है, और ये XL मॉडल है, तो यहाँ पे XL की बेजिंग देखने को मिल जाती है। इसमें आपको LE, LS और LX, ये LX मॉडल है, इसमें आपको AC वगैरह मिल जाता है, तो ये टॉप वेरिएंट है, तो इसमें आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का साइड मिरर मिलता है, जिसे पीछे आती हुई गाड़ियों का आप देख सकते हैं। ये आप इसके पीछे का लुक देख सकते हैं। पीछे के लुक की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार के जो है टेल लाइट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर, ब्रेक लाइट और टेल लाइट तीनों जो है आपको लाइट देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ताकि गाड़ी को जब पीछे लेते हैं तो ड्राइवर को पता चल जाता है, क्योंकि इसमें सायरन बज जाता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे जो है इसमें आपको स्टेपनी देखने को मिल जाती है, पत्ते कबाने वाला पैराबोलिक लीव स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं पीछे वाले एक्सल पे। और इसमें अगर हम ब्रेक की बात करें, तो आगे डिस्क
और पीछे ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं जो कि वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक विद LSPU सिस्टम दिया गया है, यानी कि लोड सेंसिंग वाला। गाड़ी की ओवरऑल लंबाई है 4630 mm की, 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड है, 15% की ग्रेडिबिलिटी है यानी फ्लाई ओवर या फिर चढ़ाई लांघने की जो क्षमता है, और 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है टर्बो चार्ज इंटरकूलर वाला 1478 cc का, जो कि 70 HP की पावर और 170 Nm का टॉर्क प्रदान करता है 1600 से अधिकतम 2400 RPM पे। टॉप स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और इसमें कंपनी ने जो माइलेज बताया वो काफी बढ़िया बताया है, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसमें आपको माइलेज मिलेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके केबिन के अंदर, और केबिन की अगर हम बात करें तो बढ़िया स्पेसियस केबिन इसमें आपको जो है देखने को मिल जाता है, अच्छा लेग रूम दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे फुट स्टेप, इस पे पैर रखकर आप आराम से इसमें चढ़ सकते हैं, और आप देख सकते हैं ड्राइवर प्लस एक सीटर यानी कि 2 सीटर इसमें ड्राइवर समेत पासिंग है। हालांकि कोई इसमें हेडरेस्ट वगैरह तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आजकल महिंद्रा और टाटा एस वगैरह में आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल। तो चलिए अब चलते हैं इसके केबिन के अंदर, यहाँ से आप पैर रखकर आराम से इसमें चढ़ सकते हैं, और ये आप देखेंगे तो स्ट्रिंग जो है इसका काफी बड़ा दिया गया है। ड्राइवर सीट को आप आगे पीछे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरा पीछे चली जाती है, और ठीक ठाक इसमें आपको जो है लेग रूम मिल जाता है, और काफी बड़ा सा इसमें जो है आपको केबिन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग देखेंगे तो ये टॉप मॉडल है LX, तो इसमें आपको जो है पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, और बड़ा सा स्टीयरिंग दिया गया है आप देख सकते हैं, जिससे क्या है कि ड्राइवर को जो है इसको पकड़ने में इजी होता है और ड्राइव जो है आराम से कर सकता है। इसमें यहाँ पे बीच में अशोक लीलैंड का बढ़िया सा लोगो देखने को मिल जाता है, और यहीं से आपको जो है हॉर्न देखने को मिल जाता है। बड़ा सा टू स्कोप में जो है इसका स्टीयरिंग दिया गया है, यहाँ पे इसके हैंड ब्रेक की प्लेसिंग दी गई है, और यहाँ पे इसमें आपको जो है 5 स्पीड मैनुअल गियर देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका गियर लीवर दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं काफी अच्छा इसमें लेग रूम देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी स्पेस है, और ये आप को ड्राइवर वाली सीट देख सकते हैं, कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और इसके पीछे जो है काफी अच्छा इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा स्पेस दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसके जेक पाने वगैरह यहीं पे रखे हुए हैं। पीछे आपको जो है यहाँ पे स्लाइडर ग्लास मिल जाता है, यहाँ से आप जो है इसको खोल सकते हैं और पूरी कार्गो बॉडी में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है लाइट मिल जाती है केबिन लाइट, जो की LED लाइट है, काफी बढ़िया है, और काफी बड़ा इसमें जो है स्पेसियस केबिन देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हम डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे आपको अशोक लीलैंड का लिखा हुआ, यहाँ पे अगर आप कोई म्यूजिक सिस्टम या जो भी आपको लगाना है तो यहाँ पे आप लगवा सकते हैं, जो भी म्यूजिक सिस्टम FM रेडियो आप लगवा सकते हैं, यहाँ पे जगह दी गई है। और ये आप कुछ इस प्रकार के AC के वेंट देखने को मिल जाते हैं, जो इनको आप बंद भी कर सकते हैं अगर आपको AC चालू नहीं करना है, इससे क्या है कि डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो हेडलाइट्स को लेवल कर सकते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें भी आपको USB चार्जर का ऑप्शन नहीं मिलता, और AC को यहाँ से आप चालू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है लॉकेबल ग्लो बॉक्स मिल जाता है, ये ऐसे आप खोल सकते हैं, और इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना है वो रख सकते हैं, कोई आपका सामान वगैरह भी आप रख सकते हैं, और यहाँ से आप जो है इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का बिल्कुल लगभग ग्रे कलर का सिंगल कलर का इसमें आपको जो है डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ड्राइवर साइड में आपको सनवाइजर भी देखने को मिल जाता है, रियर व्यू मिरर, यहाँ पे हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। तो काफी बढ़िया इसमें आपको जो है स्पेसियस केबिन मिल जाता है। तो ये आप इसके इंजन का भी साउंड सुन सकते हैं, ठीक ठाक जो है इसमें आपको जो है साउंड देखने को मिल जाता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका AC, तो यहाँ से जो है आप AC को चालू कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोर है, इनको आप जो है ओपन यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो AC जो है चालू हो सकता है। इसमें आपको जो है 3 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, 1, 2 और 3, तो इसमें आपको कहाँ पे सेट करना है, तो यार AC की हवा तो काफी बढ़िया आ रही है, आप देख सकते हैं AC का जो है रुख बदल सकते हैं, ऊपर नीचे लेना है या फिर अंदर की हवा लेनी है या थोड़ी बहुत बाहर की लेनी है, तो यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं, 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ से भी जो है AC और फ्लोर के जो है हवा का रुख आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे आपको AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, और इसमें आपको हीटर नहीं मिलेगा, केवल AC ही दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका डिजिटल क्लस्टर मीटर, तो ये आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ जो है आराम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है RPM शो करेगा आप देख सकते हैं, और थोड़ा अलग डिजाइन में दिए गए हैं, आप देखें 8, 16, 24, 40, और यहाँ पे RPM शो करेगा, और यहाँ पे जो है गाड़ी कितने की स्पीड में दौड़ रही है वो बताएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइम और गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि ओडोमीटर बताएगा। यहाँ पे अशोक लीलैंड का बेस दिया गया है, यहाँ पे फ्यूल लेवल देख सकते हैं, तो काफी अच्छा इसमें आपको जो है डिजिटल क्लस्टर मीटर मिल जाता है, जिसमें आप सारी जानकारी आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो भी है ट्रिप मीटर वगैरह की जो है आप कर सकते हैं।
और अशोक लेलैंड की सबसे बढ़िया मेरे को लगी इसकी वारंटी। 5 साल और 2 लाख किलोमीटर की फ्री वारंटी मिल जाती है, यानी कि कस्टमर बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है और अशोक लेलैंड को भी अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि 2 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे दी, तो ये काफी बढ़िया इसमें मिल जाती है। अब प्राइस देखें तो अशोक लेलैंड दोस्त XL एलेक्स मॉडल ये टॉप वेरियंट है। इसकी एक शोरूम प्राइस है 8,70,000 रुपए, RTO इंश्योरेंस मिलाने के बाद ऑन रोड कीमत है 9,98,000 रुपए, यानी कि 9,98,000 रुपए इसकी कैश की कीमत है। फाइनेंस की बात करें तो इसकी ऑन रोड कीमत का 90% तक फाइनेंस हो जाता है, तो 8,98,200 का आता है, लेकिन राउंड फिगर में हमने 8,98 का ही किया है, तो डाउन पेमेंट देना होगा 1,00,000 रुपए, यानी कि 1,00,000 रुपए देकर आप इसको लेकर जा सकते हैं, अपना काम धंधा चालू कर सकते हैं और बाकी का पैसा आप EMI में भर सकते हैं। ये जो ऑन रोड प्राइस है राजस्थान की, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो कहीं पे थोड़ा बहुत रोड टैक्स में डिफरेंस है तो कम ज्यादा हो सकता है। अगर आप 8,98,000 रुपए का फाइनेंस करवाते हैं तो 19,980 रुपए की 60 किस्तें बनेंगी, यानी कि 5 साल के लिए, और 2,46,790 रुपए का आपको ब्याज देना होगा। आप 4 साल के लिए फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो 48 किस्त भी बनवा सकते हैं, और इसमें आपको एक सुविधा ये भी मिल रही है, आप 6 साल के लिए भी फाइनेंस करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि EMI 15-16 हज़ार के करीब ही आए तो फिर 16,636 रुपए की 72 किस्तें बनेंगी, यानी कि 6 साल के लिए लोन होगा और 2,99,806 रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा, तो इसमें ये भी आपको बढ़िया सुविधा मिल रही है, 6 साल के लिए भी फाइनेंस करवा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा डाउन पेमेंट देने की क्षमता है कि भाई मैं तो ज्यादा डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, मेरे EMI थोड़ी और छोटी आए और ब्याज भी कम लगे, तो फिर अगर आप ऊपर वाले जो 3,48,000 रुपए तक का आप डाउन पेमेंट कर देते हैं, या फिर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है एक्सचेंज करवाने के लिए तो आप वो भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, उसमें आपको ऑफर भी मिलेगा। अगर आप 3,48,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो फिर लोन बैठता है 6,50,000 रुपए का, तो फिर EMI बनेगी 12,041 रुपए की 72, यानी कि 6 साल के लिए, और 2,70,009 रुपए का ब्याज देना होगा। अब इसमें आप 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल के लिए भी फाइनेंस करवा सकते हैं, जितना कम समय के लिए आप लोन करवाएंगे उतना ही आपको ब्याज कम देना होगा। तो ये था अशोक लेलैंड का नया दोस्त XL। अगर आपको बड़ा दोस्त या फिर इसके और वेरिएंट के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर अगर आपको अशोक लेलैंड की कोई भी छोटी बड़ी पिकअप ट्रक खरीदनी है तो फिर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे ऑफर से लेकर फाइनेंस तक। डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक पेज का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर भी सकते हैं, और हम आपकी खरीदने में पूरी मदद करेंगे।